पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। तुम जियो हजारों साल। साल के दिन में 50,000 के नारों से गुंजायमान हुआ नगर पंचायत कार्यालय आवागढ़। धूमधाम से मनाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव। नगर पंचायत कार्यालय पर उनके जीवन वृतांत पर अलगा गई प्रदर्शनी। हम आपको बताते चले, शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उसको लेकर स्थानीय कस्बा एटा जिला के आवागढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से उनका जन्म उत्सव मनाया। उसी के तहत स्थानीय नगर पंचायत कार्यालय पर उनके जीवन वृतांत से लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का संपूर्ण विवरण दिखाया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन नगर पंचायत के चेयरमैन महेश पाल सिंह ने फीता काट कर किया। प्रदर्शनी को देखने के लिए कस्बे के लोग उमड़ पड़े। कुछ लोग उनके जीवन और राजनीतिक कार्यों पर प्रकाश डाल रही थी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश सरानी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हिरेश यादव, अजीत पाल सिंह गुट्टो, पंचायत के वरिष्ठ लिपिक वीरेंद्र पाल सिंह मंडल, भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन दीक्षित, मेघराज सिंह, संतोष पाल सिंह, डॉक्टर राधाकृष्ण, सभासद सुनील जैन, मंदीप ओझा, कुलदीप पंडित, विशाल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। पावागढ़ से मनोज कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीटी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। को आप किस तरह से आयोजित कर रहे हैं, क्या है इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं विशेष? ये आयोजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस प्रदर्शनी से उनके जीवन की सारी, जब से उनकी राजनीति शुरू हुई है, वो जीवन की उनकी गाथा इस प्रदर्शनी के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने अपने निस्वार्थ इस देश की सेवा करने का जो संकल्प लिया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। बिना किसी लालच के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 18 से 20 घंटे तक इस देश की सेवा में लगे रहते हैं, दिन रात देश के लिए चिंतन करते हैं और देश के चिंतन में ही हमेशा वो लगे रहते हैं और निस्वार्थ भाव से वो देश की सेवा कर रहे हैं,